अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ चिकन मक्रोनी, दही मक्रोनी, वेजिटेबल मक्रोनी, वेजिटेबल पास्ता, दही पास्ता, चिकन पास्ता, कोई भी नाम चाहे तो आप इसे दे सकते हैं। मैंने लिया एक कप ऑयल, उसके अंदर मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप चाहे तो ये लुक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। देखिए हमारे मटर माशाल्लाह से गल चुके हैं। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन, जो जिसे मैं 5 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी, और ये पहले अपना पानी छोड़ेगा, फिर कलर चेंज करेगा, इससे हमारे मटर भी गल जाएंगे। मैंने मटर बिल्कुल कच्चे इस्तेमाल किए हैं, कोई उबाल के वो इस्तेमाल नहीं किए, ये गोश्त के पानी से ही गल जाएंगे। सीजन की सब्जी है तो मज़े का टेस्ट देती है। डिफरेंट सब्जियाँ यूज़ की हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजरें, जो मैंने ब्रीक काट ली है, इसे मैं भूनूंगी। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, काली मिर्च हसबे ज़रूरत, इसे मिक्स करूँगी। अब मैं देखिए माशाल्लाह से हमारी सब्जियां पकना शुरू हो गई हैं, इसने घी छोड़ दिया है, हमारा सब्जियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करना, इसके अंदर ऐड करूंगी दही, जो मैंने एक बाउल से ज्यादा लिया है। दही हमारे इसके अंदर सब्जियों के अंदर जाके पानी छोड़ेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। दही को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये पानी छोड़ देगा तो मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। मैंने इसे कवर कर दिया है, आंच तेज है, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया, उसने अपना घी छोड़ दिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर और हरी मिर्च, जो मैंने पहले ऐड नहीं की थी, ताकि जो इसके अंदर मिक्स ना हो, जो वैसी है उसका टेस्ट वैसे का वैसा ही रहे। देखिए मैंने कटी हुई मिर्च ऐड की है, चिपके नहीं।
मेरी डिश कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जो केचप बाकी रह गया है मैंने वो भी इसके अंदर अंडेल देनी है। प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब मिक्स करूँगी। इसे डिश आउट करूंगी। देखिए माशाल्लाह।